अगर आप जैकेट खरीदने जा रहे हैं तो आपको कैसे इसमें डिफरेंशिएट करना है, बट आई विल नॉट कॉल इट एज सेफ। तो इसे आप एक बैग की तरह टांग सकते हैं। किसी भी आर्मर में आपको इनको ढूंढना है क्योंकि इन्हीं के पास रहेगी सारी जानकारी। जैसे जैसे इंडिया में राइडिंग का कल्चर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों के बीच में राइडिंग को लेकर अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और वैसे वैसे बढ़ती जा रही है राइडिंग जैकेट की ज़रूरत। बट जैसे ही राइडिंग जैकेट खरीदने की बात आती है, वैसे लोगों में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी कंपनी का राइडिंग जैकेट खरीदना चाहिए, कौन सी कंपनी का राइडिंग जैकेट बेहतर होता है और ये लेवल वन लेवल टू क्या होता है। तो आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ अपने जैकेट का। दिस इज़ TVS रेसिंग जैकेट लेवल वन, और इस रिव्यू के साथ साथ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो व्हाट्स अप फ्रेंड्स एंड फैमिली, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैंने इस वीडियो को टोटल 4 भाग में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है अपीयरेंस, उसके बाद है फीचर्स, फीचर्स में मोस्टली हम बात करेंगे सेफ्टी फीचर्स के बारे में। उसके बाद है कंपैरिजन, मैंने एक दूसरा जैकेट भी किसी से मांगा हुआ है जस्ट टू कंपेयर एंड शो यू कि लेवल वन और लेवल टू में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, अगर आप जैकेट खरीदने जा रहे हैं तो आपको कैसे इसमें डिफरेंशिएट करना है। और उसके बाद है कंक्लूजन, चौथा पार्ट, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जो जैकेट है वो किसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके अपीयरेंस और कंफर्ट से। अपीयरेंस में जैसा आपको दिख रहा होगा, ये आता है ब्लैक, ग्रे और नियॉन कलर्स में। इसे नियॉन या फिर हाईवेज कलर भी बोलते हैं। इवन जो पीछे TVS रेसिंग लिखा हुआ है वो भी रिफ्लेक्टिव है, तो जब आप रात में राइड कर रहे होंगे और आपके पीछे लाइट पड़ेगी तो पीछे नियॉन कलर और वो TVS रेसिंग वाला एरिया क्लियरली दिखेगा। ये आपको रात के टाइम में ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी देगा। तो अपीयरेंस में तो ये जैकेट काफ़ी अच्छा है। इसके बाद आते हैं कंफर्ट में। कंफर्ट में ये जैकेट बहुत बेहतरीन है। जगह जगह पे आपको इसे टाइट या लूज़ करने के ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो रिस्ट के पास यहाँ पर वेलक्रो दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको अपने अकॉर्डिंग टाइट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जिप दिए हुए हैं, आप अगेन रिस्ट के पास जैकेट को टाइट या लूज़ कर सकते हैं। अगर आप आर्म्स में देखेंगे तो आपको टैप बटन दिया हुआ है 3 जगह पर, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग टाइट कर सकते हैं। अगर आपको आप थोड़े स्किनी हैं तो आप इसे लास्ट वाले बटन में टैप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसे ओपन छोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको वेस्ट में भी वेलक्रो दिया जाता है ताकि आप अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग इस जैकेट को टाइट कर सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। और इसमें एक और चीज़ है जो मैंने नोटिस की, वो ये कि कॉलर के पास आपको यहाँ पे एक पतली सी फोम की लाइन दी जाती है ताकि जैकेट का जो कपड़ा है वो वाइल्ड राइडिंग आपके गर्दन में रगड़ा के आपको इरिटेट ना करे। तो ये जो चीज़ है यार, ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यूजुअली गर्मी के टाइम में जब हम राइड कर रहे होते हैं तो ये होता है कि बहुत पसीने की वजह से जो कॉलर वाला एरिया होता है ये कभी कभी रगड़ाता रहता है और थोड़ा इरिटेशन होता है उसकी वजह से। तो यहाँ पे एक पतला सा फोम दिया हुआ है कंफर्ट के लिए। एक और चीज़ जो इस जैकेट में मैंने नोटिस की वो ये है कि यूजुअली जब हम कोई भी चेन खोलते हैं तो हम यूजुअली इसे पूरा खोल देते हैं, और पूरा खुलने की वजह से वो लास्ट में कपड़े वाले एरिया को काटने लग जाते हैं। तो इस चीज़ से बचाने के लिए इस जैकेट में आखिरी में एक छोटा सा इलास्टिक का पोर्शन दिया हुआ है ताकि आप कभी बिना ध्यान दिए से खींचते भी है तो लास्ट में जाकर टकराएगा नहीं आपके कपड़े से। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं इस जैकेट में, और इन चीज़ों की वजह से जैकेट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, और उससे पहले जैकेट उतार लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वीडियो बनाने के चक्कर में सब बंद किया हुआ है, ऊपर से राइडिंग जैकेट बहुत गर्म हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज़ फीचर्स। और फीचर्स में हम बात करेंगे सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो इस जैकेट में आपको मिलता है लेवल वन आर्मर, जो कि रहेगा आपके शोल्डर पे और आपके एल्बो पे रहेगा। बैक में हाई डेंसिटी फोम रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने जैकेट से निकाल के रखा हुआ है। तो ये हैं इसके लेवल वन आर्मर्स, ये है इसके शोल्डर का आर्मर, ये जैकेट में शोल्डर वाले साइड पे अंदर में लगा हुआ होता है। ये है इसके एल्बो का आर्मर, ये ऑब्वियसली यहाँ एल्बो वाले एरिया में लगा होता है जैकेट के अंदर। और ये है इसका बैक आर्मर, बैक में आपको मिल जाता है हाई डेंसिटी फोम। ये शोल्डर और एल्बो वाले आर्मर की तरह CE लेवल 1 नहीं है, ये एक हाई डेंसिटी फोम है जो कुछ हद तक एब्जॉर्ब कर सकता है शॉक को या एब्रेशन को, बट आई विल नॉट कॉल इट एज सेफ। मतलब ठीक है, आप काम चला सकते हैं बट ये उतना ज़्यादा सेफ नहीं है। तो जैसा कि ये जैकेट है, इसमें शोल्डर वाले एरिया में अंदर साइड में ये वाला आर्मर लगा रहेगा, और
अंदर में एल्बो वाले साइड में ये वाला आर्मर लगा रहता है। अंदर इसके पॉकेट्स दिए रहते हैं, आपको बस उन पॉकेट्स को खोलना है, इस आर्मर को डालना है और वेलक्रो से आप वापस चिपका सकते हैं। वैसे ही बैक में अंदर साइड में ये वाला आर्मर बैक में लगा रहता है, तो अगेन सेम सिस्टम है, आपको उसके वेलक्रो को हटाना है, इस आर्मर को अंदर डाल के आप वापस लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो अलग से एक लेवल 1 या लेवल 2 आर्मर खरीद कर इसके अंदर डाल सकते हैं, आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इसके फैब्रिक में, इसके कपड़े में। ये बना है 600D पॉलिस्टर फैब्रिक से। पॉलिस्टर एक टाइप का कपड़ा आप समझ सकते हैं। पॉलिस्टर से बनाने का रीज़न ये होता है कि जो पॉलिस्टर फैब्रिक होता है ये काफ़ी ज़्यादा एब्रेजन रेजिस्टेंट होता है, ये काफ़ी लाइट वेट होता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। इनफैक्ट अगर आप इसे मोड़ के रखते हैं तो जैकेट्स में रिंकल्स नहीं आते, सलवट नहीं आते कपड़े पे। तो इस वजह से जो ये पॉलिस्टर फैब्रिक है इसे जैकेट को बनाया जाता है। 600D आप ऐसा समझ लीजिए कि इस फैब्रिक की डेंसिटी या इसकी थिकनेस को मेजर करने का एक तरीका है। आपको जितने भी जैकेट्स मिलेंगे वो इसी टाइप पे मिलेंगे, 400D, 500D, 600D। अभी सोलेज के कुछ जैकेट्स हैं उसमें 700D तक भी है। तो जितना ज़्यादा रहेगा ऑब्वियसली ये उतना ज़्यादा डेंस रहेगा, उतना ज़्यादा थिक रहेगा और उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके बाद इसमें आपको मिल जाता है मेश का कपड़ा। ये जो वाला जो एरिया है और ये जो नीचे वाला एरिया है ये पूरा मेश कंस्ट्रक्शन है। इनफैक्ट जो ये स्लीव्स वाला एरिया है यहाँ भी आपको कंप्लीट मेश मिलता है। मेश होने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप राइड कर रहे होते हैं, आप गाड़ी चला रहे होते हैं, तो उस टाइम आपको एयर का जो फ्लो है वो इन एंड आउट बना रहता है। जैसे कि सामने में मेश है वैसे ही आपको इस जैकेट में यहाँ पीछे भी मिलेगा, तो जो एयर का फ्लो है वो कंटिन्यूस बना रहेगा और आपको बाइक चलाने में, बाइक चलाते तक एटलीस्ट जब तक आप राइड कर रहे हैं तब तक गर्मी का उतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा। इसके साथ अंदर आपको मिल जाता है एक रेन प्रूफ पॉकेट। अगर बारिश हो रही है तो एटलीस्ट आप इस पॉकेट में एक फ़ोन और वॉलेट तो रख सकते हैं, उतना स्पेस इसमें है, बड़े आराम से एक वॉलेट एक फ़ोन आ जाएगा। तो अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो आप इसमें रख लीजिए और बचा लीजिए। इसके साथ साथ पीछे आपको मिलता है एक एक्सटर्नल पॉकेट। आप चाहें तो यहाँ पे रेन कवर खरीद कर यहाँ रख सकते हैं, जो ऊपर वाला रेनकोट होता है आप चाहें तो इसके अंदर भी रख सकते हैं। इसके साथ में यूजुअल जैसे हर जैकेट में होता है आपको यहाँ साइड में भी पॉकेट्स मिल जाएंगे दोनों साइड में। इस साइड भी आपको पॉकेट मिल जाएगा। और इसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने आज तक आई गेस इसी जैकेट में देखी और मैंने किसी जैकेट में ये नहीं देखा है, वो इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके सस्पेंडर्स। अगर आप देखेंगे तो इसमें ऐसा दो बेल्ट की तरह दिया हुआ है। इसका काम बेसिकली ये है कि इन केस अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं और आपको राइडिंग जैकेट उतारना है, कई बार ऐसा होता है कि यार हमें राइडिंग जैकेट उतारने के बाद उसे हाथ पे लेकर घूमना पड़ता है, तो अगर आपको वो नहीं करना है तो इसे आप एक बैग की तरह टांग सकते हैं। तो इससे होगा ये कि आप जैकेट पूरा उतार लीजिए, इस सस्पेंडर को टांग लीजिए और आप ऐसे ही घूम सकते हैं, आपको इस जैकेट को हाथ में अलग से लेके घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फीचर काफ़ी कूल लगा मेरे को इस जैकेट का, जो आई गेस TVS के जैकेट्स को थोड़ा अलग बनाता है बाकी जैकेट से, क्योंकि इसमें मैंने ये फीचर्स देखे हैं जो कि आई गेस अभी तक मैंने TVS के जैकेट्स में ही देखे हैं फिलहाल। इसके साथ आपको नीचे में यहाँ एक अटैचेबल जिप मिलता है। ये जिप एक्चुअली ये तब काम आता है कि अगर आप नीचे से राइडिंग पैंट पहनते हैं तो उसको आप यहां से अटैच कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस वीडियो के तीसरे सेक्शन में, दैट इज़ कंपैरिजन। अब सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इस कंपैरिजन का मोटिव किसी भी कंपनी के राइडिंग गियर को डिफेम करना नहीं है। ये कंपैरिजन मैंने स्पेसिफिकली इसलिए रखा है ताकि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद कहीं भी राइडिंग जैकेट खरीदने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2 क्या होता है, दोनों में फ़र्क कैसे पता करते हैं, जैकेट में किस किस जगह पे आर्मर्स लगे होते हैं, कौन कौन सा ज़रूरी है। तो ये जो कंपैरिजन है ये बेसिकली व्यूअर्स के क्लैरिटी के लिए, तो प्लीज़ इसे गलत तरीके से ना लें। और कंपैरिजन के लिए मैंने जो जैकेट लिया है वो ऑब्वियसली मेरे जैकेट से थोड़ा बेहतर जैकेट है, एंड दैट इज़ फ्रॉम बाइकिंग ब्रदरहुड। ये है BBG का वॉयजर जैकेट, ये एक लेवल 2 जैकेट है। ये जैकेट को मेरा वीडियो में रखने का जो मोटिव था वो यही था कि मुझे आपको दिखाना था कि लेवल 1 लेवल 2 में क्या फ़र्क होता है। मैं जैकेट के बाकी फीचर्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, जैसे विंटर लाइनर हो गया, रेन लाइनर हो गया, अंदर रेन पाउच हो गया, ये जो जिप है, ये जो भी चीज़ें हैं वो हर जैकेट के, हर कंपनी के अपने अपने हिसाब से होते हैं। हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ सेफ्टी फ़ीचर्स के बारे में। तो ये जो जैकेट है ये लेवल 2 जैकेट है। अब आपको इसमें फ़र्क कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने इस जैकेट के भी आर्मर्स को निकाल के रखा हुआ है, तो ये देखिए ये जो दो आर्मर्स हैं
ये हैं दोनों जैकेट के अलग अलग, ये है TVS रेसिंग जैकेट का आर्मर और ये है बाइकिंग ब्रदरहुड कंपनी का आर्मर। इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कौन सा लेवल का आर्मर है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लेवल 1, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये लेवल 1 आर्मर है। इसके बाद के जो दो बॉक्स हैं वो आपको खाली दिख रहे होंगे, एक मैं क्लियरली दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये लेवल 1 आर्मर है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इसके बाद के जो बॉक्सेस हैं ये खाली हैं, ये देखिए CE, क्योंकि ये जो आर्मर की रेटिंग है ये आपको वहीं से मिलती है। CE बेसिकली आसान भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं तो जैसे इंडिया में ISI मार्किंग होता है कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वैसे ही जो भी चीज़ें यूरोपियन कंपनीज़ में बेची जाती हैं तो वहाँ के हिसाब से CE स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो ये जो मार्किंग आपको मिलेंगी CE लेवल 1 CE लेवल 2 होगी, इसका मतलब ये है कि ये उस स्टैंडर्ड को पास कर चुकी है। तो जैसा कि आपने इन दोनों में फ़र्क देखा, अगर आप किसी भी शॉप में जाते हैं तो आपको ये देखना है आर्मर में, आर्मर में क्लियरली लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ पे कंपनीज़ का नाम भी लिखा रहता है, जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ आपको BBG लिखा हुआ दिखेगा। इसके अलावा आपको ढूंढना है ये जो भाई साहब यहाँ बाइक चला रहे हैं, आपको छोटे से भाई साहब दिख रहे होंगे बाइक चलाते हुए, किसी भी आर्मर में आपको इनको ढूंढना है क्योंकि इन्हीं के पास रहेगी सारी जानकारी। तो यहाँ पे आपको देखना है पहले वाले बॉक्स में कि उसमें 1 लिखा है या 2 लिखा है। इसके बाद जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे T+T- लिखा हुआ है, तो T+T- का मतलब ये है कि ये जो आर्मर है ये एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर और एक्सट्रीमली कूल टेम्परेचर, मतलब बहुत ही गर्म तापमान में और बहुत ही ठंडे तापमान में टेस्ट किया हुआ है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसे टेस्ट नहीं किया हुआ है। तो इस तरीके से आप जैकेट में लगे हुए आर्मर को समझ सकते हैं। इसके बाद जो दो इन जैकेट्स में बहुत बड़ा फर्क है वो है बैक प्रोटेक्टर का। अगर आप देख सकते हैं तो ये बाइकिंग ब्रदरहुड कंपनी का जो बैक प्रोटेक्टर है वो है, काफ़ी बड़ा है साइज में। उसके बाद आप देखेंगे तो ये है मेरे जैकेट का TVS रेसिंग कंपनी का बैक प्रोटेक्टर। अगेन ये एक पतला सा फोम है बट यहाँ पे अच्छा है, एक हार्ड प्लास्टिक जैसा है, ये भी फ्लेक्सिबल है बट अगेन ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनफैक्ट वेट में भी ये काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इसकी जो प्रोटेक्शन स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। इस तरीके से आपको अपने जैकेट में लगे हुए जितने भी आर्मर्स हैं उनको खोल के देखना है खरीदने से पहले। लेकिन अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं, आप किसी भी वेबसाइट में जाके कहीं भी जैकेट खरीदें, वहाँ पे नीचे प्लीज़ सारे फीचर्स को पढ़ लें, सबसे पहले हो सके तो सेफ्टी फीचर्स को पढ़ लें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको कुछ जैकेट्स में या चेस्ट में भी प्रोटेक्टर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपने ऐसे प्रोटेक्टर्स देखे हैं जो कि एल्बो में है, शोल्डर में है, बैक में है, वैसे ही आपको कुछ जैकेट्स में यहाँ पे चेस्ट में भी प्रोटेक्टर्स मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप जाएंगे देखेंगे तो राइनॉक्स एयर GT3 में शायद ये चेस्ट में प्रोटेक्टर्स दिए हुए होते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यार आप जो जैकेट खरीद रहे हैं जिसमें आप पैसा लगाने वाले हैं उसमें कितने प्रोटेक्टर्स हैं और वो किस लेवल के हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जब भी खरीदें आप लेवल 2 वाले आर्मर से खरीदें, क्योंकि ऑब्वियसली वो लेवल 2 में है तो वो ज़्यादा सेफ है। क्योंकि इसके बाद के जो फीचर्स होते हैं वो हर कंपनी हर जैकेट अलग अलग हो सकता है, जो मेश वाला कंस्ट्रक्शन होता है, जो जिप होते हैं, जो एडजस्टमेंट होती है, ये हर कंपनी के अलग अलग होते हैं, ये हर इंसान को अपने अपने हिसाब से अलग अलग चाहिए हो सकता है, बट जो सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई भी जैकेट खरीदें तो पहले आप उसके सेफ्टी फीचर्स देखें। अब आ जाते हैं इस वीडियो के आखिरी पोर्शन पे, दैट इज़ कंक्लूजन। तो अगर आप मेरी माने तो ये जो जैकेट है ये बेसिकली बिगनर्स के लिए है। बिगनर्स से मेरा मतलब है कि अगर आप शॉर्ट राइड्स पे जाते हैं या फिर ओकेजनली हाईवेज पे जाते हैं, कभी कभी छोटी राइड कर लेते हैं या कभी कभी हाईवेज पे अगर आप राइड करने चले जाते हैं तो आपके लिए जैकेट बहुत अच्छा है, आप इसे खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास बजट कंस्ट्रेंट है, जैसा मेरा रीज़न था, मैं जब राइड शुरू करने वाला था तब मेरे पास ज़्यादा पैसे बचे नहीं थे जैकेट ख़रीदने के लिए, तो मैंने फिर सोचा कि यार एटलीस्ट सेफ्टी होनी ज़रूरी है, मतलब नहीं पहन के जाने से बेहतर यह कि मैं कुछ पहन के चला जाऊँ, इसलिए मैंने ये वाला जैकेट ख़रीद लिया था। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो आप लेवल 2 जैकेट खरीदें। इसके साथ साथ अगर आपको एक्सट्रीम राइड्स करना पसंद है, आप बिगिनर नहीं, आप एक एडवांस लेवल है, आप काफ़ी लंबी लंबी राइड्स करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आपको भी लेवल 2 वाला जैकेट लेना है। ये जो जैकेट है ये बेसिकली समर में राइड करने के लिए बहुत अच्छा है,
अगर मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बताऊं तो जो लास्ट में हैदराबाद गया था तो जो गर्मी के टाइम में दोपहर मुझे बाइक चलानी पड़ी थी उसमें इस जैकेट ने बहुत मदद की, क्योंकि इस जैकेट का जो मेश वाला एरिया है काफ़ी ज़्यादा है, तो जब तक आप बाइक चलाते रहते हैं तब तक जो हवा का फ्लो है वो काफ़ी अच्छा बना रहता है, तो आपको गर्मी बाइक चलाते तक नहीं लगती। तो समर के लिए ये जो जैकेट है काफ़ी अच्छा है, बट अगेन क्योंकि इसमें जो मेश वाला एरिया है काफ़ी ज़्यादा है तो इसे अगर आप ठंड में पहन के चलाएंगे तो आपको बहुत ठंडी हवा लगेगी, वहाँ पे आपको अंदर हो सकता है 2 से 3 लाइनर्स पहनने पड़ जाएं। तो अगर आप एक बिगिनर राइडर हैं या आप सिर्फ शॉर्ट राइड्स लगाते हैं या अगर आपके पास बजट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप ये वाला जैकेट कंसिडर कर सकते हैं। जिस प्राइस पॉइंट पे ये मिलता है उस प्राइस पॉइंट पे बेसिकली कोई जैकेट्स और नहीं मिलते, लेकिन उस प्राइस के हिसाब से भी इसमें जो फीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है वो समझ में आई होगी। अगली बार जब आप कोई भी राइडिंग जैकेट खरीदेंगे, आप ऑनलाइन खरीदें या ऑफलाइन खरीदें दुकान में जाकर, आपको क्लैरिटी रहेगी कि आपको क्या क्या अपने जैकेट में फ़ीचर चाहिए और वो आप कैसे पता कर सकते हैं, वो कौन से सेफ्टी फ़ीचर्स के साथ है, कौन से लेवल वाला जैकेट है। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं या इस वीडियो में इसे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी को क्लियर कर दूँ। तो फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, राइड सेफ एंड लिव योर लाइफ फुल थ्रॉटल।